पंजाब दे राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ते मुख्यमंत्री भगवंत मान दा एक बार मुड़ तो झगड़ा सामने दिखाई दे रहा। बीते दिन पंजाब दे राजपाल सरहदी दौरे दे उपर गए सी, दो दिन दा प्रोग्राम सी, पठानकोट तो शुरू हुंदा है तरन तारण तक जांदे ने। इस तो बाद उन्हां दा काफला हादसे दा शिकार हो जांदा है ते इस तो बाद फिर इस मुद्दा भी अज जिहड़ा उठिया कि वह हैलीकॉप्टर क्यों नहीं यूज़ कर रहे जां फिर वह करनगे जां नहीं करनगे। अज पंजाब दे राजपाल ने चंडीगढ़ के राजभवन के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम भगवंत मान वालों जो बीते दिन इल्जाम लगाए गए सी कि राजपाल जो सरहदी दौरे पर जाता है तो सारी अद्धी सरकार लैके चले जाते हैं नाल, तो इसका जवाब जिहड़ा आ वह राजपाल ने की दिता है इस कॉन्फ्रेंस दे विच होएगा। इस तो अलावा पंजाब दे राजपाल जिहड़े बनवारी लाल पुरोहित है इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं मेरे तो डरन की लोड़ नहीं है, सीएम तो मैनू कदे मिलदा ही नहीं, महीने च इक अद्धी बार मुलाकात हुंदी है, हस के दोवें बुलाने हैं। उन्हें कहा कि मेरी गलबात सीधी प्रधानमंत्री दे नाल हुंदी है जां फिर गृह मंत्रालय दे नाल हुंदी है, इन्हां दे लीडरां दे नाल जां फिर सीएम दे नाल तां कदी कदाई मुलाकात हुंदी है, मेरे तो डरन की लोड़ नहीं है ते ना ही मैं सियासत दे विच आ रहा। तुसीं उन्होंने कहा सी भगवंत मान ने कि हुण लोक की इलैक्टड दिखणगे जां सिलैक्टड दिखणगे, इलैक्टड मतलब सीएम भगवंत मान ते सिलैक्टड मतलब गवर्नर। इस तो बाद फिर बनवारी लाल पुरोहित ने एक होर मुद्दे के उपर काफ़ी जड़ा है वह सवाल खड़े किए। सीएम भगवंत मान दे करके उन्होंने अस्तीफा दिता है, एक की कारण बनया एक बार असी पूरी कॉन्फ्रेंस के सुनते हैं। वो रहते हैं, उनको हमने कहा क्या है आपको बीएसएफ, उनके हायर ऑफिसर स्पेशल डायरेक्टर वहां थे, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए, उसके पंजाब के हेड एसपी रैंक है, पंजाब के हेड आते एनसीआरबी उसके डिप्टी डायरेक्टर, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो नार्को उसके डिप्टी डायरेक्टर और आईबी उनके डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के और स्पेशल ब्यूरो उसके असिस्टेंट डायरेक्टर हेड जो यहाँ पर पंजाब में अपने हेड है, सभी इन एजेंसियों देन मिलिट्री इंटेलिजेंस होगी, ये सब सेंटर की एजेंसियों को मैंने साथ में लिया और इनको कहा, इनको साथ में लिया, एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी इनको साथ में लिया और डीजीपी पंजाब के उनको साथ में लिया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनके जो नीचे के लोग हैं हर डिस्ट्रिक्ट में ये एजेंसी के सारे उनका इन्वॉल्वमेंट हो को मीटिंग में जाता हूँ तो सब आते हैं, तो इंस्ट्रक्शन दिया उनकी हर डिस्ट्रिक्ट में इन सारी एजेंसियों की जो मैंने अभी बताया प्लस स्टेट पुलिस एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर डीसी और एसएसपी हर जिले में मंथली एक मीटिंग होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल आल्सो। मैं जाता हूं तो ये टॉप ऑफिसर्स यार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो रहते हैं अटेंड करते हैं सारे के सारे 100% दे आते हैं मंथली मीटिंग। मैं रिव्यू लेता हूँ मेरे सक्सेस हो रहे। अब खाली दिस इज ये होके तो पूरा बॉर्डर सिक्योर तो कर दिया पर अब ड्रोन का जो चक्कर है
उसके लिए क्या करना, उसके लिए विलेज डिफेंस कमेटी मैंने स्थापित किया। विलेज डिफेंस कमेटी इज माय आइडिया, क्योंकि मैं समझ गया जैसा मैंने बताया गांव में टेरर था, गांव में टेरर डरते थे लोग, बताते नहीं। और बात भी सही है जैसा मैंने कहा, मालूम सबको है पर वो एक आदमी कौन कर रहा है, उससे अकेला कौन झगड़ा लेगा, हिम्मत किसकी, गुंडे बदमाश के मुंह क्यों लगना। तो मैंने कहा डिफेंस कमेटी उसका इलाज खाली यही है, प्रोमिनेंट लोगों की, गांव के 10 लोग की डिफेंस कमेटी बने, बनाए डिफेंस कमेटी, काम कर रही थी। बड़े गांव में 15 की है, 20 की है, छोटे गांव में 10 की है। आज बॉर्डर से लेके 15 किलोमीटर तक हर गांव में डिफेंस कमेटी बन गई और वो काम कर रहे हैं। उनको भी एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, इसलिए मैंने गवर्नर फंड से उनको उत्साहित करने के लिए प्राइज डिक्लेयर की कि जो गांव कोई ड्रोन पकड़ेगा या ड्रग्स पकड़ेगा, हीरोइन वगैरह ये सब बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा, उसमें हर जिले में 3 प्राइजेस, फर्स्ट आएगा उसको 3 लाख वो गांव को, सेकंड प्राइज 2 लाख और थर्ड 1 लाख। ये 26 जनवरी को हमने दी थी लास्ट टाइम, चालू कर दी थी मैंने, उसका रिजल्ट है। और अभी मैं जब अभी इस दौरे पे गया, उन्होंने डिक्लेयर किया कि सेम ऑन दैट पैटर्न जो गांव में नशा एकदम खत्म होगा, फर्स्ट होगा उसको 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, लाइक दैट 3 हर जिले में। वो मेरे गवर्नर के पास जो फंड होता है उसमें से, गवर्नर डिस्क्रिशनरी फंड है उसमें से देता है, हमने डिक्लेयर किया। उसका रिजल्ट है, परंतु लोगों का इन्वॉल्वमेंट, मैं जाता हूँ इनकी मीटिंगें लेता हूँ, गांव के गांव में भी जाता हूँ, गांव के लोगों से भी मिलता हूँ, और विलेज डिफेंस कमेटी के सारे मेंबर जितने आ जाते हैं उनसे सबसे बात होती है। हर गांव में मैं उनको करता हूँ, मैं एक गांव में महिलाएं बहुत आई, मैंने कह दी महिलाएं सामने आती हैं तो ड्रग खत्म हो जाएगा, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, मोटिवेशन होता है उनको, महिलाओं इनका मोटिवेशन करना जरूरी है। अब ये हो गया कि एक ही जिले में 3-3 4-4 हजार करीब करीब मेंबर बन गए इनके जिले में, 10-10 करके 150 गांव, 200 गांव हुए, कहीं 20 कहीं 15 बड़े गांव में। बड़ा जिला है 4 हजार, मैं अभी बोल के आया सबको, कमिश्नर को, हमको सबको, सेंट्रल एजेंसी जितनी हैं उनको, कि आप इन लोगों को बुलाओ, इनको साल में एक बार बीडीसी मेंबर्स को, ये बहुत बड़ा फोर्स तैयार हुआ है, इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बसें भेजो, उनको बुलाओ गांव से, और उनको बुला के एक टाइम का लंच दो, अच्छा उनको लेटेस्ट पोजीशन बताओ, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, वही उनके थ्रू पूरा गांव पूरा अपना चार्ज होगा। ड्रग्स खत्म होना है, स्मगलर्स पकड़े जाएं, ड्रोन के लिए मीटिंग लेते हैं, आपस में डिस्कशन होता है ना,
हर एक डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट तकलीफ। आर्मी बोलती है यहाँ से यहाँ तक रोड बनाओ, यहाँ से वो करिए, कुछ पोस्ट कहाँ से कहाँ हटाना है, कहाँ पर ज्यादा पोस्ट लगाना है। कम से कम हजारों कैमराज लगवा दी, डिमांड थी, लोगों ने मांगा, एजेंसियों ने, कैमरे लगने चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल लगने थे, कैमरे लगना शुरू है, यहाँ है। मैंने कहा जितना भी मगर कहीं भी नेशनल डिफेंस में कोताही कैसे बरती जा सकती, उसका रिजल्ट है। इसलिए मेरे को जाना पड़ता, नहीं कहाँ हुआ। दैट इज द मेन पर्पज। अब मेरा तो आपको मालूम पब्लिक लाइफ है, किसी से छिपा तो है नहीं। मेरे ख्याल से मैं पंजाब में आने के बाद में है, मैं 10 पब्लिक मीटिंग में या पब्लिक फंक्शंस में मैं बोल चुका हूँ कि मैं भाई 8 चुनाव लड़ा हूँ, 5 जीता हूँ, 3 हारा हूँ। आपने भी सुना होगा, कई जगह बोला, 8-10 जगह बोला है, और फिर भी मैं उनको हिम्मत देता हूँ। मैंने कहा फिर भी कोई परवाह नहीं, हमने हार और जीत सब देखी है, परंतु 0 नहीं है, 60% रिजल्ट है। 8 में से 5 सक्सेस है ना, तो 60% है ना। अब 100% तो 100% भी है, आई डोंट क्लेम। सिंसियरली काम करते हैं, नहीं समझ में आया, पब्लिक लाइफ है, किया, उसमें हमारी क्या गलती, हार गए कोई कारण से हार गए। अब मैं फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे 2009 में मैं हारा, 2009 में नागपुर का आपको बताता। अब नागपुर में मेरा अपोनेंट था कांग्रेस का विलास मुत्तमवार, कैंडिडेट नागपुर में। अब देखो टोटल वोटिंग हुआ 755,714, कांग्रेस का कैंडिडेट विलास मुत्तमवार उनको मिले 315,148 वोट, परसेंटेज इज 41.7%। ही गॉट माय ओपोनेंट। दिस वाज माय लास्ट इलेक्शन, इसलिए बता रहा हूं। पर मुझे मिले 290,745, I get got 38.5%। अरे 3% से 3.2%, हार जीत तो उन्हें 2% इधर के उधर होते तो जीत भी जाते, पर हार जीत किसी के हाथ में। कहीं भी वेव चलते हैं, कभी कोई कारण होता है। मैं भी बोल नहीं सकता कि मैं परफेक्ट हूँ, आई कांट क्लेम ना। जज जजमेंट है पब्लिक का, हरा है, मेरे से वो कैंडिडेट उनको बेटर लगा, उसको जिताया, उसमें कहें कहाँ डिसूट है। हम तो इलेक्शन से अलग हो गए थे, विरक्ति, हमने कहा राजनीति से विरक्ति अब नहीं लेंगे, अब लड़ेंगे भी नहीं। तो बोले नहीं आपको छोड़ेंगे नहीं, गवर्नर बन जाओ, ठीक है, राजनीति नहीं है उसमें, गवर्नर बन गए, राजनीति का कहीं सवाल नहीं। मेरे मन में राजनीति बिल्कुल नहीं है, मैं सबसे मिलता हूँ, हर पार्टी से मिलता हूँ, सबकी बात सुनता हूँ, होने लायक काम है मेरे पूते का मैं करने की कोशिश करता हूँ, क्यों करूँ नहीं करूँ। अब ये तो काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए,
नहीं तो हुआ नहीं ना इतने साल, मेरे अचीवमेंट है, मैं बताता नहीं कभी, ये बताने की भी जरूरत नहीं थी मेरे को, पर बिना मतलब हारे को बना दी, ये बताया आप टूर मत करो, टूर का मेरा पर्पज दूसरा है ना, मेरे कौन से वोट लड़ना है, मैं कौन सा कैंपेनिंग कर रहा हूँ या मेरे लिए, सीएम साहब को मेरे से डरने की क्या जरूरत है, मैं यदि चुनाव में लड़ू पार्टी खड़ी करूं मेरा कोई मतलब ही नहीं है, नेताओं से मेरी महीनों महीनों तो बात नहीं होती, बात भी कहीं होती है तो मेरी या तो प्राइम मिनिस्टर से होती है या होम मिनिस्टर से, बाकी किसी से बातचीत नहीं, प्रॉब्लम लेके बीजेपी वाले भी आते हैं, कांग्रेस वाले भी आते हैं, आप सभी को मैं टाइम देता हूँ, आप पार्टी वालों को देता हूँ, प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, गवर्नर शुड बी प्रॉब्लम फॉर द एनीबॉडी, क्यों होना चाहिए, एक भी पॉइंट बता दो ना, मैंने किया, हाँ काम जो नहीं हुए हैं वो तो मैं करवाने की बोलूंगा, पंजाब की ऐसी हालत कैसे रहने दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है ना, है अब फॉर एग्जांपल, बाकी तो प्रॉब्लम बहुत हैं, वो छोड़ो, मेरी जिम्मेदारी है, यू नो आई एम चांसलर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन पंजाब, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का मैं चांसलर हूं, तो चांसलर होकर मेरी काम नहीं है कि बराबर काम चलना चाहिए हर यूनिवर्सिटी में, जो भी चीज मेरे नॉलेज में आए सीएम साहब को पसंद नहीं आया, हमारा नेचर अलग है, हम मेरिट पे चलते हैं, न अपना न पराया, अनअटैच्ड आदमी हूं, न कोई मेरे पास रिकमेंडेशन आ सकती, न कोई करता है, आई मस्ट से दैट कोई मेरे को आज तक किसी काम के लिए रिकमेंडेशन है, इसको अपॉइंटमेंट करो वो करो, कोई करता भी नहीं, और करता तो मैं सुनता भी नहीं, सबको मालूम हो गया होगा, अब आज स्थिति यह है 10 यूनिवर्सिटी पंजाब की बिना रेगुलर वाइस चांसलर के है, कितना एड ऑफ चलेंगे, टाइम करते नहीं, मैं तो बोलता हूं यूजीसी की गाइडलाइंस है, यूजीसी की रूल्स है, यूनिवर्सिटीज एज पर द यूजीसी गाइडलाइन चलने चाहिए, उसका सिस्टम क्या है, यूजीसी के क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हर यूनिवर्सिटी के लिए वाइस चांसलर की सर्च, वाइस चांसलर अपॉइंट करना है तो एक सर्च कमेटी बनाइए, कहीं रूल से 4 मेंबर, कहीं 5 मेंबर, कहीं 3 मेंबर, सर्च कमेटी 3 से 5 एक्सपर्ट्स रहते हैं उसमें, कहीं गवर्नर के नॉमिनी रहते हैं, स्टेट के रहते हैं, वो सर्च कमेटी, सर्च कमेटी अपना एक कन्वेनर अपॉइंट करती है, कन्वेनर का काम रहता है एज पर द सर्च कमेटी, एडवर्टीजमेंट देना वैकेंसी के लिए, फिर एप्लीकेशन आती है, उनको बराबर रजिस्टर करना, स्क्रूटनाइज करना, पुटअप करना, फिर सर्च कमेटी नॉन ठहरा के उसमें से जो एप्लीकेशन सेलेक्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाती है, और इंटरव्यू के लिए बुला के 4 मेंबर उसमें से सेलेक्ट करना प्योरली ऑन मेरिट, सर्च कमेटी करती है, 4 जो कॉम्पिटेंट मेंबर सेलेक्ट कर दिए उसकी लिस्ट चांसलर के पास आती, मींस गवर्नर के पास आती, मैं वो 4 को मेरा नेचर में बुलाता हूँ, उन 4 में से जो बेस्ट है हर तरह से उसको मैं
अपॉइंट करता हूँ, दिस आई हैव डन ऑलरेडी इन तमिलनाडु जहाँ स्टालिन है, यही प्रोसीजर से वहाँ अपॉइंट 27 वाइस चांसलर वहां पर अपॉइंट किया। जरा सी आवाज नहीं, कुछ भी नहीं, सोच ऑन द कंट्री एवरीबॉडी एप्रिशिएटेड, हर एक ने एप्रिशिएट किया तमिलनाडु। मैं किया और डॉक्टर क्या, तो सीएम साहब फ्रेंड है स्टालिन साहब, पूछ लो। उनका नजरिया क्या है, चीफ मिनिस्टर है ऑफकोर्स, हु कैन डिनाई, जनता ने नहीं चुना। जनता ने चुना हमको, राष्ट्रपति जी ने चुना है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार दिया है उनका राष्ट्रपति जी के आदेश से मैं पालन करता हूं। इनको सीएम साहब को समझ में नहीं आया, सीएम साहब ने कहा जी ठीक नहीं है, उनका नजरिया है ये गवर्नर चांसलर नहीं रहना चाहिए, चांसलर चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। उनका उन्होंने असेंबली में रेजोल्यूशन पास कर लिया यूनानिमस, पूर्ण बहुमत से कि वाइस चांसलर की यूनिवर्सिटी का चांसलर गवर्नर नहीं होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, ये असेंबली का रेजोल्यूशन। अब मेरे पास आया, मेरे भी दो विचार हो सकते ना, है? एक विचार तो मन में आया कि जहां झंझट खत्म होती है ना, जाने दो हम क्यों झंझट में पड़े, परंतु सिंस मैं पार्टी बन गया ना ऑटोमेटिक, भाई मेरा केस मैं डिसीजन नहीं ले सकता कोई भी, गवर्नर को रिमूव करो इस पोस्ट से, चांसलर की पोस्ट से, उसका मैं समर्थन भी नहीं करता, विरोध भी नहीं कर सकता, मैं मेरे बारे में कैसे डिसीजन दे सकता। आई हैड नो अल्टरनेटिव बट टू सेंड इट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैंने भेज दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, भाई आपको करना है सही हो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, राष्ट्रपति जी ने विचार किया होगा, अब उन्होंने भेज दिया कि नहीं ये रिजेक्ट है, सिस्टम में वही चालू रहना चाहिए, क्यों उसका अर्थ है। अब राष्ट्रपति जी से तो बड़ा कोई नहीं है ना देश में, उनकी बात तो माननी चाहिए, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी। स्वभाव के अच्छे हैं, मिलते हैं तो रेस्पेक्ट से मिलते हैं, तो कभी मिलते हैं एक आधी बार मुलाकात होती है कभी कोई, पर ठीक है हमारा कोई गरज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, काम अच्छा चले, पंजाब खुशहाल रहे, अच्छे से अच्छा बढ़े, और संविधान के हिसाब से काम हो, एजुकेशन का डाउनफॉल ना हो, ये मेरे ये भी चिंता की बात है, है? तरीके से काम फटाफट करना चाहिए, इतना है हमारा, बाकी हमारा कोई बिल्कुल नाराजी नहीं, मेरा लेन देन क्या है, मैं इंटरफेयर कहाँ करता हूँ, एक तो बता दे कुछ नहीं, अब दोरा तो माई कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी,
वो तो होगा ही, पर अब ये देश की सुरक्षा का यदि मैं नहीं लूंगा जिम्मेदारी, इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर हर नागरिक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी है, मेरी भी है। बॉर्डर से ड्रग्स आ रहे हैं, ड्रग्स बिक रहे हैं, रोज कंप्लेंट आ रही है, पकड़े जा रहे हैं, कुछ नहीं पकड़े जा रहे हैं, स्कूलों में हालत खराब हो रही है, स्कूलों के प्रिंसिपल भी शिकायत करने लग गए, माफिया की गैंग है वो एक्टिव हो रही है, तो इसको चारों तरफ से रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। वो बॉर्डर पे कर रहा हूँ, उसका मेरा फायदा क्या हुआ मीटिंग का है? आई टॉक विद द होम मिनिस्टर, मैंने कहा साहब अभी ड्रोन जो है ना, एंटी ड्रोन लगाए जा रहे हैं, एंटी ड्रोन रखाएगा, देखिए तो ये दौरे से मालूम पड़ा, आर्मी से डिस्कशन होता है, बीएसएफ से डिस्कशन होता है, सबसे डिस्कशन होता है, तो ये ड्रोन एंटी ड्रोन सक्सेसफुल है, ड्रोन को मार गिराने में रॉकेट हो जाते हैं मार गिराते, परंतु ये हमारे 25% अभी तक बोरो करती है बीएसएफ, बीएसएफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है बॉर्डर की, तो बीएसएफ बोरो करती है, आर्मी से भी है, बीएसएफ के पास भी है, आर्मी से बोरो करती है, फिर भी टोटल अभी 25% एरिया ही जो अपना बॉर्डर का है वो एंटी ड्रोन से कवर हो पाया है। मेरी होम मिनिस्टर साहब ने कहा है फंड काफी अभी दिए गए हैं, लेटेस्ट जो भी एंटी ड्रोन का रिसर्च हुआ आई थिंक विद इन ए ईयर ड्रोन एंटी ड्रोन से होगा तो ये काफी प्रोटेक्शन ड्रोन वगैरह का मिस्चीप से, ड्रग्स और ड्रग्स के साथ में कई बार हथियार भी आ जाते हैं, एक तरह 24 पिस्तौलें बराबर हुई, राइफल बराबर हुई, बरामद हुए हथियार भी आ सकते हैं, उनको रोकथाम के लिए कोशिश है। आपके माध्यम से इतना ही कहना है जनता को कि हमारा पायस वर्क है, इंटेंशन पायस है, हमको कोई मतलब ही नहीं ना उसमें, कोई नाराजगी का कारण नहीं है सीएम साहब का, हाँ क्यों होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन सबका करके हम रिजल्ट सक्सेस है ना, आपके सामने है ना, पहले कहा पूरा कोऑर्डिनेशन, पूरी मीटिंग ही करवाई कंपल्सरीली होती है, सुरक्षा समितियां सब बन गई है, विलेज डिफेंस कमेटियां बनी है, लोग जागृत कर रहे हैं हम सब जगह। तो सर सीएम साहब राज होने की रास्ता का बहुत बहुत लंबा है, पंजाब के अकॉर्डिंग आप उनकी आधी सरकार लेकर बोल रहे हैं? नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, नॉट दैट, मैं खाली देखिए मेरे साथ में मैं खाली उनको चाहता हूँ कि अपना चीफ सेक्रेटरी साहब और डीजीपी साहब ये दो मेरे साथ चले, तो जैसे मेरा 3 दिन का दौरा था, दोनों आए मेरे साथ, और जिस जिले में जाता हूँ इसके अलावा कोई नहीं ले जाता ना मैं उनका, ये दो के अलावा और कोई अफसर नहीं जाता यहां से मेरे साथ, बाकी वहां पर जिले में जाते हैं तो जिले के डीसी और एसएसपी और उनके साथ में जो उनकी टीम है 10-5 ऑफिसर वो रहते हैं। राजस्थान के गवर्नर साहब से मेरी बात ही नहीं हुई 1.5 साल से, तो अब मैं कैसे उनको बोलूं कि आप दौरा करो या मत करो। बॉर्डर है ना सब, वो एलिगेशन समझे नहीं, चांसलर की बात कर रहे हैं क्या बताऊं मैं सर, जो आगे आपने हालात देखे हैं जैसे आपके सुनो ने आगे जो दौरा
जारी रहेगा और आगे हो सुधार करने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि जब आपने पहले दौरा किया फिर आपको मेरी डिफेंस कमेटी बनाई, आगे क्या रहेगा और जैसे ड्रग्स को लेके जो आपके दौरे जारी रहेंगे। जरूरत नहीं ना सर, इन व्यू ऑफ दिस नहीं, एक मिनट, आर यू शिफ्टिंग हेलीपैड टू सहारनपुर सर, क्योंकि ये वाला जो है वो डीजीसीए से अप्रूव नहीं है जो राजेंद्र पार्क में है। मैं बिल्कुल डिस्टर्ब किसी को नहीं करता, आपका सजेशन होगा आए थी मेरे कान में भी बात मैंने का नहीं बोलते, परंतु आपका जो बातचीत है ना, आपने मैं कार से जाने में मेरे को आनंद आता है भाई, रोड जाता हूँ ना तो पूरा पंजाब मेरे को समझ में आता ना, मेरे को मैं भी किसान हूँ, फसल कौन सी लगी है, कहाँ लगी है, कैसी फसल की हालत है, हैं? और कभी अच्छा लगता है ऑन द कंट्री पूरा, और हेलीकॉप्टर से गए तो यूं गए उतर गए, क्या फायदा है, हैं? फिर और क्यों उनका हेलीकॉप्टर उनके काम में रहेगा, उनका काम अटक जाए कुछ और अटक जाए तो बिना बात वाई शुड अपना बिना सवाल क्यों तो चीफ मिनिस्टर को सोचना है ना, मैं एडमिनिस्ट्रेशन मैं सजेशन कर सकता हूँ। अब राष्ट्रपति का कॉन्स्टिट्यूशनल, राष्ट्रपति का यदि आर्डर नहीं मानना तो बराबर नहीं ना, मानना चाहिए। मेरे को पूरी रिपोर्ट भेजना पड़ता है होम मिनिस्टर को, मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत है, लोगों को जागृत करने की जरूरत है, मैं इसलिए लोगों में जा रहा हूँ। आई हैव विजिटेड ना, मेरे बाकी मालूम नहीं है, मेरे को 6 जिले के तो पक्के डीसी, 6 डिस्ट्रिक्ट के डीसी और एसएसपी सिंसियरली काम कर रहा है, मैं ब्लेम नहीं करूंगा पर्सनली। आपने 3 दिन का दौरा किया है तो लोगों ने कौन सी शिकायत की है, क्या ऐसी भी शिकायत आई है कि सबसे ज्यादा जो ड्रग में इन्वॉल्व है उसके अधिकारी उसके लोग भी शामिल है, किनके लोग? किस चीज की सुनी थी 3 दिन के दौरान हुई? 3 दिन के दौरान मैं जिस लोगों से मिल के आया ना, गांव में गया ना, बॉर्डर को एकदम लगा हुआ विलेजों में गया, बॉर्डर से लगा हुआ, उनकी समस्याएं भी है और जो उनकी समस्याएं मैं सुनता हूँ उसको भी सोल्व करने की हम प्रॉब्लम करेंगे सोल्व करने का। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को डांट लगा दी इस बारे में तो मैं ये झंझट में पड़ता नहीं। मेरे ख्याल से हो गया मेरे ख्याल से आया नहीं, चलो करने दो उनको। सीएम साहब बोलते हैं कि जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है अब उसमें छोड़ दिया उनकी तरफ की वजह से आपको चलाना चलाओ सर।
दो सीएस जो आप ड्रग्स की बात कर रहे हैं हमेशा ये बॉर्डर पे पुलिस अधिकारी के कर्मचारी है, क्या उनका नाम सामने आ रहा है किसी का कि वहाँ पर पुलिस अधिकारी के नाम क्या बोल रहे हो सर? सीएम साहब बोलते हैं कि जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पे राज्यपाल चुपचाप बैठे हैं, जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहाँ राज्यपाल घूम रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। तमिलनाडु में पूछो, मैं तो वहाँ पे घूमा हूँ, असम में भी पूरा असम घूमता था, असम में तो गवर्नमेंट थी, यूनिवर्सिटी वगैरह का सब करता था, पूछ लो असम में जाकर। अब मेरा नेचर अलग है, मेरा काम करने का तरीका अलग है, पूरा पब्लिक लाइफ में ग्रास रूट से आए हैं, सीनियर है, नेचर अलग है, काम करते हैं। आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी, उनको गाइड करना कुछ बताना मेरा काम है, माने नहीं माने उनका काम, अब क्या कर सकते हैं। सर, कल सीएम ने भी कहा है कि वो चाहते हैं कि उनके आपके संबंध अच्छे बने रहे, क्या आप संबंध बिगड़ रहे हैं या वो बिगड़ रहे मैं मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इनविटेशन भेजता हूँ हर बार हैं, और इनविटेशन भी रेस्पेक्ट के साथ में भेजता हूँ। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेरे हैं, खुद पर्सनली उनको इंस्ट्रक्शन रहती है कि आप पर्सनली रेस्पेक्टफुली इनविटेशन लेके जाइए, मैं तो कोई कमी हाँ, परंतु इतना जरूर है कि अब मेरा ये जाना ही बुरा लगता है तो मैं तो जाऊँगा। इसमें कहा पावर है डिफेंस का, मेरे डिफेंस के 10 ऑफिसर को लेके जा रहा हूँ मैं साथ में, सेंट्रल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन होना, आप समझो इसको, डोंट टेक इट दैट वे, ये सीरियस मैटर है। जी सर, वो कह रहे थे, मेरे को ये कह रहे हैं कि जब आप छह जिले में जाके मीटिंग करके आते हैं डीसी एसएसपी होते हैं, आपके वापस आने के बाद सीएम साहब सब डीसी के साथ मीटिंग ले लेते हैं। हाँ तो अच्छा है ना, रिव्यू उनको भी मिल जाए, मेरे से नहीं करते तो उनसे ले लो, नहीं मेरे से ले लो तो मैं समझते हैं कि इसमें फायदा हुआ है बीएसएफ और पुलिस की कोऑर्डिनेशन, जो आप कह रहे हैं कि सारी इंटेलिजेंस और पुलिस के साथ मीटिंग, बॉर्डर से तो वन थिंग एंगल इसमें इतना है कॉम्प्लिकेटेड, बॉर्डर तो बहुत चीर हो गई सिक्योर, बॉर्डर से तो मैं कह रहा हूँ कि काफी कम हो गया, वो बहुत कम कोऑर्डिनेशन है और बहुत टाइट है सिक्योरिटी, परंतु ऐसा है कि अब कश्मीर है राजस्थान साइड से, ये साइड से यदि दोनों तीन कहीं से आती है, आती तो है, नहीं तो ऐसे कहाँ ड्रग्स पकड़े पकड़े भी जा रहे हैं ना, वो पकड़े नहीं, एक जिले ने तो 140 किलो पकड़ा अपना, 125 किलो दूसरे जिले ने पकड़ा, ये फिगर में लेना, मैं लेके आया हूँ ना। किसने बहुत अच्छा है ना, आई वेलकम इट, यदि उन्होंने किया है ऐसा स्टेप इन राइट डायरेक्शन। आ रही थी मेरे को कंप्लेन, मैंने ही रेज किया पहली बार, आपको याद होगा फर्स्ट मीटिंग में मैं फीडबैक लेके आया, मैंने कहा थाने मिले हुए हैं, मैंने बोला था ना, मैंने रिपोर्टिंग में किया, सो दैट वाज माय इंफॉर्मेशन, और यदि वो इफ ही हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट ही विल गेट ए गुड रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आएगा। सर वही पूछ रहे थे कि सर कोई बॉर्डर एरिया के दौरे के दौरान बॉर्डर पे पहले मिली थी ना, मैंने पहले रेज किया था, आप पहले का देख लो, आपके रिपोर्टिंग भी किया होगा,
कि थाने जो है, थाने के कुछ लोग मेरे को रिपोर्ट मिली थी ना पहले, लोगों ने बताया था ना मेरे को, और उस हिसाब से हमने बातचीत भी की, प्रेस में लिया है, यदि उन्होंने रियलाइज करके मिले हुए हैं और डाउटफुल हैं, ऐसे करेक्टर को यदि ट्रांसफर वगैरह किया है, दैट विल हैव ए गुड इफेक्ट, एंड फॉर दैट आई अप्रिशिएट द चीफ मिनिस्टर। इसमें कोई मेरा कोई, वो मेरे को कुछ भी बोले उसका कोई असर नहीं होता मेरे ऊपर, परंतु जो अच्छा काम है वो आई विल अप्रिशिएट। सर, आप कह रहे हैं कि बोलना आप दोहरा रेफर करते रहेंगे, फ्यूचर में भी करेंगे हैं, आप बोलना का दोहरा फ्यूचर में भी करेंगे। यस, पर सीएम साहब कह रहे हैं कि पंजाब में सरकार सिलेक्टर की नहीं चलेगी, इलेक्टर की चलेगी, तो ये कसम करती है सरकार चलाओ, कमाल है, सरकार चलाओ ना, मैंने कहा है कि आप मत चलाओ, सरकार चलाओ, अपना काम करो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, ऑन द कॉन्ट्ररी आप उसमें कुछ मदद कर सको तो करो, करने की जरूरत भी है, मैं तो जाऊंगा और लेकुना जो बताऊंगा, अब यूनिवर्सिटी का है, मैं आपको खुलेआम बोल रहा हूँ कि दस यूनिवर्सिटी में होना ठीक नहीं है, शिक्षा के लिए गलत है, क्यों नहीं बोलूंगा जो गलत काम है, 10,000 पुलिस को ट्रांसफर किया ये अच्छा काम किया, अच्छे काम के लिए अच्छा बोलूंगा, गलत काम कर रहे हो जो काम नहीं कर रहे हो उसके लिए भी बोलूंगा, क्योंकि मैं कोई बायस नहीं हूं, मैं बिल्कुल एकदम प्योर सही डिसीजन, सही चीज है वो मेरा बोलना, और मेरा कोई रोक नहीं सकता, किसी कहने से नहीं रोक। होगा कहीं कहीं के आता है पंजाब को, मेरा काम बाकी देखने कहाँ फुर्सत है, पंजाब को ही संभाल लूं तो बहुत बड़ी बात है, पंजाब में बॉर्डर को मेन चीज क्या है, पहले बॉर्डर से आते, फिर आई ड्रोन से ऊपर से आने लग गए, उसका भी इलाज कर रहे हैं, जाने का है। मालूम होने के बाद में उसका इलाज कर रहे हैं ना, उसका इफेक्ट भी हो रहा है। सर, पठानकोट में कुछ संदिग्ध देखे गए थे, पठानकोट में कुछ संदिग्ध देखे गए थे, तो उसको लेकर भी कोई रिपोर्ट हुई है? पठानकोट में संदिग्ध देखे गए थे कुछ, पाकिस्तान से आए हैं, तो उसको लेकर कोई रिपोर्ट हुई है पठानकोट में आपको? फिगर दिए ना मीटिंग में, सब बताए भी हैं, पूरी डिटेल्स है, 140 केजी पाकिस्तानी, पूरी प्रयत्न इसी काम के लिए हो रहे हैं, ऑफिशियली मेरे को इसके बारे में बताया नहीं गया, सो आई एम नॉट, पूरे डिटेल्स मेरे पास नहीं है, फाइंड आउट करूंगा, परंतु इतना जरूर है कि बॉर्डर को पूरा सुरक्षित 101% करना, और ये ड्रोन पूरे के पूरे हो जाएंगे, जो कि साल भर में उम्मीद है, एंटी ड्रोन, ये पूरा यदि सिस्टम लग गया ना पूरे बॉर्डर पे, देयर विल बी अ टोटल सेफ्टी। सर, विलेज डिफेंस कमेटी जो आपने बनाई है, नहीं, लोगों को जागृत करना, सबसे ज्यादा ड्रग्स का नुकसान बताना, लोगों को जागृत करना, खत्म हो। इसमें क्या ट्रेनिंग लगता है, कोई टेक्निकल थोड़ी, ये तो अपने हाथ में रहता है, ड्रग्स वगैरह दवाइयां वगैरह नहीं लेना, इसे अगली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। सर, मुख्यमंत्री और राज्यपाल में तालमेल कैसे बैठ पाएगा? मुख्यमंत्री और राज्यपाल आप में तालमेल कैसे बैठेगा? बैठना तो पड़ेगा ना। गवर्नर साहब, जब आपने रिजाइन किया था लास्ट ईयर,
भाई हम तो उनसे कभी भी आओ करके बोलते हैं, मिलते हैं तो वो जैसे हमारे बच्चों के, मैं बहुत सीनियर हूँ ना, हमारे बच्चों के बराबर की उम्र है, बच्चे मेरे बड़े हैं उनसे। माय सनी ओल्डर देन हिम, तो उनको जब हमने लास्ट ईयर रिजाइन किया था तो हमें लगा था कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी थाव हो गया तो शांति हो जाएगी पंजाब में। क्या हो जाएगी शांति पंजाब में गवर्नर और सीएम के बीच में? आपकी फाइट आएगी जब सर आपने रिजाइन करा था, तो लगा था कि गवर्नर और सीएम आपके बीच में शांति हो जाएगी। मैं तो रिजाइन दे के बैठा हूँ भाई, नहीं एक्सेप्ट हुआ, मैं क्या करूँ। वही शायद लगा होगा मेरे को भी कि चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते हैं तो कर दो, उसमें कहां सवाल है सर। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी गए थे और वहां पे आपने एक चीज बोली थी कि मैं चार स्टेट्स में ही सर प्रोफेसर रह सकता हूं। आपने कहा था चार स्टेट्स में गवर्नर रह चुका हूं, इसके बाद मैं सब कपड़े लूंगा और अपने घर जाऊंगा वापस। क्या और भी कहा था कि पंजाब मुझे सबसे अच्छा लगा इस चीज के लिए कि जो काम मैं यहां पे करवा रहा हूं, क्या आप यहां से अब टायर्ड हो? उसमें मेरे वाइफ में मेरे में डिस्प्यूट है। मैं बोला कि पंजाब बहुत बढ़िया है, यहां रहने दो। वो बोलते है नहीं, हम नागपुर ही रहेंगे, नहीं तो मैं तो फ्लैट ले लेता, उतने पैसे है मेरे पास। मैं तो यहीं रह जाता। उसको बताया बहुत अच्छे लोग है, अच्छा है, चंडीगढ़ भी बढ़िया है।